गाइस वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। तो आपका स्वागत है चैनल ब्लॉग में। तो आपको लग रहा है नेशनल टू जूलॉजिकल पार्क, तो इसको बोला जाता है हिंदी मीनिंग में चिड़ियाघर। तो चिड़ियाघर में आपको दिखाने वाला हूँ कि कौन कौन से जानवर है, टिकट, टाइमिंग, लोकेशन, पार्किंग चार्ज, ए टू एस सब बताने वाला हूँ। तो वीडियो में एंड तक बने रहना, फुल टूर कराने वाला हूँ। तो वीडियो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। ये पार्किंग मिल जाएगी जो कि टू व्हीलर के 30 रुपये, फोर व्हीलर के 50 रुपये कुछ तरीके की। उधर साइड फोर व्हीलर है, इधर साइड टू व्हीलर है, इस तरीके आपको देखने मिलेगी। इस तरीके की पर्ची होगी जो कि आपको देखने मिलेगी। शाम के 7 बजे तक पार्किंग ओपन रहती है, उसके बाद क्लोज हो जाती है पार्किंग। आने के बाद कुछ तरीके का एंटर मिलेगा जो कि आपको एंट्री गेट 2 मिल जाएंगे, जो कि एंट्री गेट वहाँ से मिल जाएगा और एक एंट्री गेट यहाँ से मिल जाएगा और एग्जिट का यहाँ से मिलता है। आपको एग्जिट यहाँ से करनी पड़ती है। तो कुछ तरीके का आपको टिकट काउंटर, यहाँ पे अब टिकट काउंटर बंद हो गए हैं, तो आप ऑनलाइन में आपको टिकट मिलेगी जो कि 80 रुपये की ऑनलाइन मिलेगी। और चिड़ियाघर की वेबसाइट पे जाके आप ऑनलाइन टिकट ले सकते हो, जैसे कि आपको स्क्रीन पे चल रही होगी इस तरह की टिकट मिलेगी जो कि आपको देखने में यहाँ पे चिड़ियाघर की। तो आ सकते हो। और ये पड़ता है आपका, और इसका नियर में मेट्रो स्टेशन पड़ेगा सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट से आपको आना है। सुप्रीम कोर्ट के आपको अटैच में यहाँ पे पुराना किला भी मिल जाएगा जो कि आपको ब्लॉक दे रखा है पुराने किले में, जो कि अभी नई झील ओपन हुई है वो भी देखने को मिलेगी। और सुप्रीम कोर्ट इसका नियर में मेट्रो स्टेशन होगा, और पुराना किला और चिड़ियाघर दोनों अटैच में ही है बिल्कुल, ये आप जानते रहो ना कुछ तरीके का। और बाकी कुछ तरीके चेतावनी, वार्निंग कुछ तरीके आपको दी जाती है जो कि चिड़ियाघर के अंदर होती है, कुछ तरीके की आपको देखने को मिलेगी, जो कि 2000 रुपये जुर्माना होगा उस वार्निंग का, जो कि आप ये वार्निंग पढ़ सकते हो। बाकी चलते हैं अंदर, आपको दिखाते हैं चिड़ियाघर का। उस तरीके का मैप मिल जाता है आपको, कौन कौन से जानवर कहाँ पे देखने को मिलेगा, पूरा ए टू जेड पूरा मैप दे रखा है जो कि चिड़ियाघर का उस तरीके का। बाकी एंटर हम यहाँ से करते हो, तो एंटर करते करते आपको यहाँ पे ले जाएगा, फिर आपको डके मिलेगी, आपको वोटिंग डके मिलेगी, फिर आप यहाँ से आगे जाओगे तो आपको वाइट टाइगर मिलेगा, फिर उसके बगल में टाइगर मिलेगा, उस तरीके आपको देखने को मिलेगा जो कि अभी अंदर ले आके आपको दिखाया जाएगा, पूरा मैप दिखाया जाएगा उस तरीके का आपको, कौन कौन से जानवर यहाँ पे स्थित हैं ये देखने को मिलेगा आपको। द जू इज टेक्लोमेंट और कुछ तरीके का जो कि आप कुछ से पढ़ सकते हो। मिल जाते हैं आपको लोकर रूम, यहाँ पे आपको सामान अपना जमा करवाना पड़ेगा, उस तरीके जो भी आप सामान लाते हो वो आपको यहाँ पे जमा करवाना पड़ेगा। प्रवेश द्वार गेट नंबर 1, गेट नंबर 2, गेट नंबर 2 से यहाँ से एंट्री हो रही है, तो आपको दोनों से एंट्री करनी पड़ेगी। अंदर आने के बाद गेट नंबर 4 से हमारी एंट्री है, कुछ तरीके आपको देखने को मिलेगा, और यहाँ से आपको एंटर मिल जाएगा पहले फर्स्ट टाइम का यहाँ पे चिड़ियाघर का, कुछ तरीके की चेंजिंग हो गई है कुछ तरीके आपको देखने में जो कि आपको देखने को मिलेगी। तो ये आप सब आप यहाँ का इंटरनल देखने को मिलेगा, बाकी उस तरीके का। बाकी अगर आप यहाँ पे आ जाते हो, आपको टिकट लेनी है, तो आप यहाँ पे अभी आके टिकट ले सकते हो, जो कि ऑफलाइन अवेलेबल नहीं है, बट यहाँ पे बार कोड लगाया वो स्कैन करके आपको ऑनलाइन पेमेंट, तो जब भी इशू है मतलब ऑनलाइन पेमेंट आपको करनी पड़ेगी, तो ऑनलाइन पेमेंट से ही आपकी टिकट हो पाएगी यहाँ पे, जो कि आपको 80 रुपये की टिकट मिलेगी। तो ऑफलाइन टिकट यहाँ पे बंद कर दिए गए क्योंकि भीड़ के कारण यहाँ पे रश ज़्यादा होता था, तो उस कारण यहाँ पे भीड़ के कारण तो बंद कर दिया गया था, तो आपको ऑफलाइन टिकट नहीं मिलेगी, ऑनलाइन टिकट ही आपको लेनी पड़ेगी उस तरीके। बाकी आपको यहाँ के फुल टूर कराएंगे, आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा आई लव जू दिल्ली, उस तरीके का आपको आई लव दिल्ली जू कुछ तरीके आपको ये सेल्फी पॉइंट मिलेगा, आप इस पर भी सेल्फी खिंचवा सकते हो, कुछ तरीके का आपको देखने को मिलेगा। और बाकी उस तरीके का एंटर करता है, एग्जिट बाहर यहाँ से, एग्जिट यहाँ से हो जाता है, एंटर यहाँ से हो जाता था। यहाँ से आप इधर की साइड आओगे तो आपको यहाँ पे देखो वेस्ट मटेरियल से, जो कि प्लास्टिक की वेस्ट मटेरियल, आपको मग्गा हो गया, बाल्टी हो गई, और ये कुछ अब जो कि पानी भरने के प्रोडक्ट होते थे उससे आपको जोड़ बोड़ के कुछ इस तरीके का आपको देखो ये चीज़ आपको बनी हुई मिलेगी, जो कि आपको ये देखो पूरा प्रॉपर जो है ना प्लास्टिक का है, ये आपको दिखा रहा है यहाँ पे, बट ये मेरे को वो लग रहा है कि कहते हैं जो कैसे बताऊँ आपको, क्या बताऊँ यार, समझ में नहीं आ रहा, वो देखो मच्छर मारने वाले वो भी लगा रखे हैं इसमें कुछ तरीके के, और बाकी गाड़ी के पहिए लगा रखे, छोटे छोटे गाड़ियों के पहिए होते हैं कुछ तरीके, आपको ये सब आपको देखने को मिलेगा फर्स्ट टाइम पे यहाँ पे। फर्स्ट में आपको छोटी छोटी डके देखने को मिलेगी, इस प्रकार में आपको डके मिलेगी, क्योंकि वहाँ देखो लाइन से चल रही है डके, वो आपको डके देखने को मिलेगी इस प्रकार की, यहाँ पे देखो इतनी प्यारी प्यारी फुहारे के संग इतनी प्यारी प्यारी आपको डके देखने को मिलेगी फर्स्ट में। तो आगे चलते हैं हम यहाँ से, आगे जाके दिखाया जाए तो आपको इतनी प्यारी प्यारी बत्तखें मिलेगी आपको डके, जो कि यहाँ से इतनी प्यारी लग रही है देखने में, जो कि आपको ये भी आपको देखने को मिलेगी इसके अंदर। बाकी आपको ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, देखो कोई भी आपको जानवर देखना हो या कोई भी देखना हो तो आप दूर होके देखो, ना कि पास जाओ, या कि आपके टाइम में किसी पे भरोसा नहीं है, कोई पीछे धक्का दे दे, जैसा अभी सीन हुआ था बीच में रिसेंटली में, जो कि रिसेंटली में मतलब बहुत पहले हुआ, 1-2 साल पहले जो हुआ था सीन कि शेर के पास धक्का दे दे, वो शेर खा गया था उसको, बट ऐसा आप ना करें, क्योंकि आपको दूर हो के आप दूर हो के ही देखें उनको। तो बाकी आपको आगे चलते हैं, और आपको पैदल ही पैदल चलना पड़ेगा, बट यहाँ पे हाल फिलहाल में तो आपको पैदल पैदल घूमना पड़ेगा, बाकी आगे आगे चल के आपको, बट यहाँ पे रिक्शे मिलते हैं, क्योंकि आपको ये रिक्शे दिख रहे हैं, आपको ये भी आपको
रिक्शे भी ले सकते हो आप इनसे, जो चार्ज वार्ज होंगे वो आप चार्ज वार्ज की बात करके आप घूम सकते हो। भाई चार्ज पूछ के मैं बताता हूँ इसके, तो ये गाड़ी मिल जाएगी जो कि 70 रुपये चार्जेस होता है कुछ तरीके का इसका, और बाकी इसकी सामने से आपको टिकट मिल जाती है जो कि आपको पूरा जू घुमाएगी ऑनलाइन। इसमें ऑनलाइन कैश फोन पे आपको सब लोड मिल जाता है। इसमें ये स्थान मिलता है आपको यहाँ पे, आपको इसमें ड्राइव करने का जो कि आपको पूरा जू घुमाते हैं जैसे कि मैंने आप बताया। और ये कुछ तरीके का लाइफ इज लाइफ स्टाइल फॉर एनिवर्सरी मोमेंट्स कुछ तरीके आपको ये मिलेगी आपको, जो कि आपको 70 रुपये के चार्जेस करेगी, आपको पूरा जू घुमाएगी 1% 70 रुपये की, जो कि ऑनलाइन फैसिलिटी ऑफलाइन टिकट भी मिल जाती है इसकी यहाँ पे। जैसे ही आप यहाँ से ये कवर करके आते हो तो आपको यहाँ पे आ गया कि मैप दिख जाता है कुछ तरीके के, जो उनसे जानवर आपको देखना हो उसके जानवर की आपको यहाँ पे एरो दे, काला भूत कुछ तरीके आपको, जो कि आपको यहाँ पे जानवर बबूना टोपनी बंदर इस तरीके आपको देखने को पड़ेगा, जो कि आपको जो भी यार देखना हो कोई से भी जानवर देखना हो वो आपको इधर की साइड मिलेंगे आपको। और ये शायद यहाँ से एग्जिट का मिल जाता है, ये शायद एग्जिट का, और ये शायद घूमने की साइड का मिल जाता है। यहाँ से आपको घूमने के लिए जाना पड़ेगा, आपको जो जो से जानवर देखने हो वो आपको यहाँ पे जानवर देखने को मिलेंगे। बाकी यहाँ पे भी देखो वही चीज़ को जो कि रिसेंटली जो कि फ्रंट में बना रखी थी, जो कि एंटर करते के टाइम पे ये बना रखी थी, और यहाँ पे भी यही बनी हुई है। और यहाँ पे भी आपको देखने हो, ये भी आपको सारे एरो देखने को मिलेंगे कौन कौन से जानवर। बाकी वहाँ पे आपको इतना प्यारा बैठने का पॉइंट दे रखा है तो वहाँ भी बैठ सकते हो आप इसके। और ये देखो स्कैनर जू ऐसा मिलेगा आपको टिकट लेने के लिए, या आपको स्कैन करके यहाँ पे आपको टिकट मिल जाएगी ऑनलाइन, जो कि ऑनलाइन पेमेंट ही होगी इसकी भी, कुछ तरीके आपको टिकट मिलेगी इससे। इसी आप यहाँ से आपको थोड़ी सी आगे आओगे तो आपको यहाँ पे आके नील गाय दिख जाएंगी उस प्रकार की। देखो नील गाय इतनी प्यारी प्यारी, ये आपको नील गाय देखने को मिलेगी यहाँ पे। फर्स्ट में नील गाय आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी, जो कि नील गाय के बारे में इन्फॉर्मेशन में कुछ तरीके का लिखा है। और बाकी नील गाय वो अंदर देखो इस तरीके की आपको नील गाय दिखेगी आपको देखने को यहाँ पे कुछ तरीके की। और नील गाय देख के थोड़ा आगे चलेंगे। और आपको एक खासियत बताई जाए तो आप वीक डेज में ही आओ ना, वीकेंड में बताओ ना, वीकेंड में आओगे तो आप अच्छे से घूम नहीं पाओगे और यहाँ पे बहुत सारा रश मिलेगा आपको, और वीक डेज में आओगे तो आपको रश नहीं मिलेगा, बिल्कुल अच्छे से घूमने को मिलेगा। तो आप आओ तो वीक डेज में आओ, और टिकट भी यहाँ पे सस्ती मिलेगी। अगर वीकेंड में आप टिकट लेते हो तो आपको 100 रुपये से ऊपर की टिकट मिलती है, जो कि संडे सैटरडे होता है वीकेंड का, और वीक डेज का होता है संडे सैटरडे के बाद, मंडे हो गए ट्यूजडे हो गए वेनेडे फ्राइडे सैटरडे, ऐसा आपको देखने को मिलेगा। बाकी आप आओगे तो वीक डेज में आओ मेरे कहने से, तो वीकेंड में ना ही आओ तो बहुत बढ़िया, आपको घूमने को बहुत अच्छे से मिलेगा। जैसे कि आप देख रहे होगे बिल्कुल शांति शांति, और तुम्हारा भाई सुबह सुबह बिना कुछ खाए यहाँ पे पहुँच गया दिल्ली का जू आप सबको घुमाने के लिए। उम्मीद करता हूँ कि आपको जू अच्छा लगेगा। तो वेटिंग फॉर न्यू ब्लॉग, और बाकी आगे के चल के आपको दिखाते हैं नेशनल जू के बारे में, दिल्ली का जो सबसे बड़ा जू है, अलग अलग देश से जो जानवर लगा के गए हैं यहाँ पे, कुछ तरीके आपको दिखाते हैं। जैसे कि थोड़ी सी आप आ गए हो तो यहाँ पे मिल जाता है फिशों का तालाब, जो कि आपको यहाँ पे फिश देखने को मिलेगी एक से, अगर आपकी किस्मत होगी तो आपको देखने को मिल जाएगी, जो कि उतने बड़े में आपको फिश ही फिश देखने को मिलेगी, जो कि देख सकते हो नीचे देखो कैसे गुरगुर पानी कर रहा है, ऐसे इस प्रकार में आपको यहाँ पे फिश देखने को मिलेगी। बाकी अगर आपका नसीब हो तो आपको फिश देखने को मिल जाएगी यहाँ पे। बाकी आगे चलते हैं और आपको आगे दिखाते हैं क्या चीज़ है। आपको सबसे मेन तो आपको टाइगर देखना है कि टाइगर यहाँ पे है या नहीं है, वाइट टाइगर या सिंपल टाइगर, आपको टाइगर देखना। बाकी आपको टाइगर अगर मेरे को दिखा तो आपको टाइगर भी दिखाऊंगा। चलो आगे चलते हैं। इस एरिया में आपको गुलाबी हरसिल देखने को मिलेगा, जो कि इस एरिया में जो कि पेड़ पौधों पर आपको बैठा हुआ मिलेगा, अगर मिल गया तो यहाँ पर आपको ये चीज़ देखने को मिलेगी गुलाबी हरसिल कुछ तरीके का, आपको इस तालाब के पास ही मिलेगा आपको यहाँ पे देखने के लिए। यहाँ से जैसे ही थोड़ी आप आगे आते हो तो आपको हिरन देखने को मिल जाते हैं, छोटे छोटे प्यारे प्यारे हिरन, जो कि आपको इतने प्यारे प्यारे हिरन देखने मिलेंगे, और वो भी 80 रुपये में हिरन देखने को मिल रहे, बहुत बड़ी बात है। देख सकते हो इस प्यारे प्यारे हिरन होंगे उस तरीके का, आपको ये देख सकते हो हिरन होंगे अले, जो कि आपको देखने को मिलेंगे, जो कि आपको देखो भाग जाते, देखो यार देखते ही भाग जाते दूर, कुछ तरीके आपको हिरन देखने को मिलेंगे। तो बिल्कुल पास से हिरन बिल्कुल क्लियर क्लियर, जो कि आपको हिरन देखने को मिलेंगे इतने प्यारे प्यारे यहाँ पे। यहाँ पे ब्लैक हिरन भी देखने को मिलेगा, ब्लैक एंड वाइट हिरन भी देखने को मिलेगा, और आपको कुछ जैसे नॉर्मल हिरन होते हैं वो भी देखने को मिलेंगे, और ब्लैक एंड वाइट हिरन जो है वो देखो ये रहा, ये भाई क्या अलग ही लग रहा है यार, ब्लैक एंड वाइट मजा आ गया देख के ब्लैक एंड वाइट को। तो भाई इस तरीके आपको हिरन देखने को मिलेंगे इतने प्यारे, बहुत सारे हिरन है, हिरन के बच्चे भी है यार यहाँ पे। तो वो देखो भाई भाई ब्लैक एंड वाइट हिरन देखो, ये बकरा ये आ रहा है, ये रहा आपका चला गया, ये आ गया, पेड़ आ रहा है बीच में यार। इस देखो इतने सारे हिरन देखो पास से, तो पास से दिखा रहा हूँ आपको इतने सारे हिरन देखो, ये देख सकते हो इतने प्यारे प्यारे हिरन, इतने पास से दिखा रहा हूँ आपको ये वाले हिरन देखो,
जो कि किसी किसी को देखने को नहीं मिलते, पर आप सब लोगों को मैं दिखा रहा हूँ हिरन ही वाला। देखो ब्लैक एंड वाइट भी हिरन है, देखो ये वाला, और ये देखो इतने प्यारे प्यारे हिरन ये आपको देखने को मिलेंगे यहाँ पे दिल्ली के जू में, चिड़ियाघर में इस तरीके के। तो आके आप सब लोग विजिट कर सकते हैं यहाँ पे। और ये देखो ये भागे भागे कितनी तेजी में आ रहा है। देखो ये देखो आप बेटे, दावत है क्या तेरी, दावत देख के इसकी। हाँ भाई ये देखो इतने प्यारे प्यारे हिरन। ऐसे आप हिरन देख के आओगे तो थोड़ी ऐसी आगे आपको देखने मिल जाएगा गोट कुछ तरीके का, जो कि सामने देखो ये, देखो ये रहा, ये भाई ये दो है भाई यहाँ पे गोट, दो है कुछ तरीके का। आपको यहाँ पे गोट भी आपको देखने को मिलेंगे भाई। आपको वैसे वो थोड़ा फ्रंट से दिखा दूँ आपको, और बाकी यहाँ पे भी आपको बहुत चीज़ें मिलेगी आपको चिड़ियाघर में एक कुछ घूमने की। और देखो साफ सफाई भाई इतनी अच्छी है यहाँ पे, साफ सफाई मजा आ गया साफ सफाई देख के भी। और यहाँ पे देखो इतनी प्यारी जगह है, बैठने के लिए भी आपको जगह मिल जाएगी उस प्रकार में। यहाँ पे दिल्ली चिड़ियाघर के अंदर देख सकते हो इस तरीके, यहाँ पे प्यारा सा बैठने का पॉइंट भी मिलेगा, जो कि आप यहाँ पे बैठ सकते हो और यहाँ से बैठ के आराम से गोट्स को देख सकते हो सामने इस प्रकार में, जो कि आपको देखो इधर से दिखाते हैं फ्रंट से। और ये देख सो कैसे देख सकते हो, और ज़्यादा दूर है यार वो, इसलिए देख नहीं पा रहे ढंग से, है ना। गाइस तुम्हारे भाई को शेर देखना, शेर नहीं मिल रहा, बस शेर जल्दी मिल जाए तो आप सबको शेर भी दिखा दिया जाए जल्दी से जल्दी। और मैं तो चाह रहा हूँ मेरे को शेर मिले और आप सबको मैं शेर भी दिखाऊँ। सामने ही आपको ये दिख जाएगा जंगली बिल्ली होगा उस तरीके का आपको, और दिखाते जंगली बिल्लियाँ है तो आपको सबसे ऊपर बैठी। ये देखो ये रही, ये भाई ये रही जंगली बिल्ली, कितनी बड़ी है यार, ये तो बहुत बड़ी है जंगली बिल्ली। और इतना इतना बड़ा हाउस है इसका घर, और इस तरीके का ये आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगा जंगली बिल्ली की। जंगली बिल्ली देखिए जैसे हो गए यहाँ पे गीदड़ कुछ तरीके का, देखो ये देखो गीदड़ ये रहा है, देखो ये घूम रहा है, देखो कैसे पागल की तरह घूम रहा है, देखो राउंड पे राउंड लगा रहा है ये देखो। अरे जूम बिलर मत यार, ये देखो ये देखो ये देखो फोटो खिंचा रहा, वही फोटो खिंचा रहा क्या, ये देखो कैसे राउंड लगा के आ रहा है, बिल्कुल सेम एटीट्यूड वैसे ही राउंड लगा के आ रहा है इस तरीके का, देखो कितना आराम से राउंड लगा के आ रहा है। और ये आ गया देखो, ये देखो इनके पास में देखो चिकन की बोटियाँ, देखो कितनी बड़ी बड़ी चिकन की बोटियाँ पड़ी है। ओहो माई गॉड, इनके तो मज़े ही मज़े है भाई, मज़े ही मज़े है। देखो वहाँ देखो बोरा, और ये देखो ये बोटी पड़ी, ये बोटी पड़ी, ये बोटी पड़ी, जो कि आपको दिखाया जाए। देखो ये देखो इस तरीके का दिखता है। हाँ भाई राम राम जी, सुनता ही नहीं है भाई, ये तो इग्नोर मार रहे देख के हमारे कोई। और देखो पानी का नल भी लगा रखा, देखो छोटा सा इधर पानी का नल और एक बोला, ये दोनों भाई भाई है लेकिन आपस में लड़ते होंगे इसलिए अलग अलग कर रखा इनको। ये देखो खाने के लिए भी नहीं है देखो इस पर। मैंने यहाँ पे ना एक चीज़ नोटिस करी यार, आप पेड़ों पे देखोगे तो आपको ना एक से एक बर्ड से मिलेगी आपको, अलग अलग बाहर कंट्री की बर्ड से देखने को मिलेगी, जो कि आपको इंडिया में आपको चिड़ियाँ देखने मिलती है, तोते देखने मिलेंगे, ये देखेंगे आपको बर्ड्स दिखेंगे बढ़िया बढ़िया, आपको बर्ड्स यहाँ पे देखने मिलेंगे पेड़ों पे बैठे, जो कि एक से एक पक्षी होंगे बढ़िया से अच्छे अच्छे, वो आपको देखने को मिलेंगे यहाँ पे। ये नहीं देखने मिलेगी चिड़िया बढ़िया कौआ वो ये सब देखने मिलेगी आपको, बर्ड्स देखने मिलेगी अच्छी अच्छी। अब यहाँ से आओगे तो आपको ब्रंट टेलेट देखने को मिलेंगे, जो कि हिरन के प्रकार में ही होते हैं, जो कि आपको सामने बैठे हुए देखेंगे देखो। और एक यहाँ पे भी बैठा साइड में को देखने मिलेगा, देखो ये बैठा अंदर और ये बैठे दो, ये सामने बैठे हुए देखो, इनके अलग लक्षण होती है और खुद इनके अलग लक्षण होती है इस तरीके आपको देखने मिलेंगे। और ये पूरे एरिया में बैठते हैं, एरिया में आपको मिलेंगे जीतल स्पॉटेड डियर को इस तरीके इंग्लिश में देते हैं स्पॉटेड डियर, जीतल इसको हिंदी में कहते हैं। और बाकी वो सामने मिलेंगे आपको, वहाँ के पास से दिखाया जाए आपको। मैंने क्या कहा था, जो आपको फील भी नहीं होगा, जो कभी सोचा भी नहीं होगा, वाले जानवर आपको चिड़ियाघर में मिलेंगे। तो आपको बहुत जानवर मिलेंगे, आपको यहाँ पे आके विजिट कर सकते हो। बाकी आपको पास से दिखाया जाए तो देखो वो है, देखो आपको दिखाया जाए तो उधर पास से लेके चलते हैं आपको, किस तरीके आपको देखने को मिलेंगे ये वाले जानवर, आपको ये वाले देखने को मिलेंगे। देखो कैसे देख रहे हो भाई खड़े होके, क्या वेव है यार, ऐसा लग रहा है बाहर कंट्री में घूम रहे हैं हम, ऐसे फील आ रही है हमारे को देखने में तो यार। देखो इनको देखो, ये देखो ये भाई क्या अलग ही लग रहा है यार देखने में तो यार, इनको मज़ा आ गया देख के तुमको। के बाद आपको ये मोर का एरिया देखने में मिल जाता है पूरा, यहाँ पे ए टू जेड मोर ही मोर मिलेंगे आपको, बट हाल फिलहाल में तो अभी एक ही मोर दिख रहा है देखो किस तरीके का। और बाकी आपको आगे जाके मिल देखते हैं कौन कौन से पशु पक्षी जानवर मिलते हैं यहाँ पे। मिलता है आपको भारतीय गैंडा कुछ तरीके का, इंडिया के नाम में भारतीय गैंडा कहते हैं इसको। और ये देखने को मिलेगा आपको ये भारतीय गैंडा ब्लैक कलर का, इस तरीके का खाना खा रहा है कुछ तरीके। और इसके आसपास में आपको मोर भी देखने को मिलेंगे छोटे छोटे प्यारे प्यारे से। और देखो मोर ने कैसे खुला रखा है और परवर खोल रखी है, इस तरीके आपको देखने को मिलेगा। आपको भारतीय गैंडा भी है कुछ तरीके, आपको यार डंडा बीच में अटर तो पूरा आपको दिखाता बाहर निकल गया तो कुछ तरीके दिखता है। देखो भाई क्या लगी है यार, ऐसा लग रहा है कि कॉपी बना रखी है चीज़ की,
और ये रियल है यहाँ पे दिल्ली के जू के अंदर, ये रियल है। मेरे को लग रहा था भाई देखने फिनिशिंग ऐसी लग रही है इसकी, जैसे बॉडी शेप है लग रहा है कि कोई कट्टा वट्टा कोई चढ़ा रखा हो पेंटिंग कर रहे हो, ऐसा कुछ नहीं यार, बिल्कुल रियल है यार ये तो। ये देखो क्या चलता है, देखो वजन कितना होगा यार इसका, कम से कम 700-800 किलो तो वजन ही होगा इसका यार। पे मिल जाता है आपको ये पूरा चील का एरिया, यहाँ पे चील रहती है उस करपार में। देखो देखो इस प्रकार में देखो चीली चील आपको मिलेगी यहाँ पे, चीली चील देखने को मिलेगी उस तरीके की। देखो पूरी ए टू जेड यहाँ पे चीली चील है, जो कि आपको यहाँ पे चीली चील देखने को मिलेगी। चील देख के आओगे तो चील के देखने के बाद यहाँ पे मिल जाएंगे आपको तोते, जो कि अलग अलग राज्य के तोते लगाए गए हैं यहाँ पे, जो कि इतने बड़े बड़े तोते हैं, जो कि आपको तोते देखने को मिलेंगे इस प्रकार में। देखो यहाँ से दिखाया जाए और अंदर जाके दिखाया जाएगा, अभी पूरा तोते का एरिया होगा पूरा। ये देखो कितने बड़े बड़े तोते हैं जो ऊपर बैठे हुए हैं। देखो देखो ये भाई क्या तोते हैं यार, और ये इनका हाउस बना रखा पूरा घर टाइप में। ये देखो ये बैठा है सामने, इस प्रकार में आपको देखने को मिलेगा उस तरीके। बाकी आगे आगे चलोगे तो आपको और दिखेंगे आपको अलग अलग, मतलब एक ही तोते नहीं है बट अलग अलग कंट्री के तोते हैं, जो कि आपको एक ही कलर में दिखेंगे। देखो अभी उड़ा था आपको दिखाता मैं, वो देखो सामने बैठा हुआ और ये बैठा हुआ, देखो ये बैठे बेयर आइड कोकर टू कुछ तरीके आपको देखने को मिलेंगे। देखो ये वाइट कलर के होते हैं यार, ये देखो बाहर के है, किस तरीके आपको देखने को मिलेंगे। देखो अहल और कबूतर जैसे हैं बट कबूतर जैसे नहीं है, देखो पास से दिखाई कबूतर जैसे नहीं है यार ये देखो। और ये देखो और ये अफ्रीकन है, मतलब अफ्रीकन से लाके लगाए गए हो यहाँ पे, देखो अफ्रीकन के बैठे हुए। ये देखो ये पास से दिखा, ये देखो कैसे देख रहे हो भाई, अलग ही लग रहा है यार देखने में तो यार। मुझे ज़्यादा काला गुर्गा कुछ तरीके का, बाकी ये मुर्गा टाइप में होते हैं, जो आपको देखने मिलेंगे। देखो ये बट मुर्गे नहीं है, बाहर का लगा के गया, बाहर का और सॉरी बाहर के देश से ला के लगाए गए यहाँ पे रखे गए इनको। पूरे जो आपको पूरे यहाँ पे पिंजरे मिलेंगे ए टू जेड, यहाँ से लेकर पूरे एंड तक वहाँ तक सारे पूरे बाहर से लगाए गए। कोई भी इंडिया का पक्षी नहीं है यहाँ पे, ना कोई जानवर है, बस मोर है आपका जानवर यहाँ का इंडिया का, वो आपको देखने मिलेगा। और बाकी बाहर के पक्षी भी आपको देखने मिल जाएंगे। और बाकी ये देख सकते हो कितनी प्यारी चीज़ बैठी हुई है अंदर, और ये है सिल्वर फेजेंट कुछ तरीके की, और ये आपको देखने को मिलेगी इतनी प्यारी। देखो ये तो कितनी प्यारी लग रही है यार, ये शीशा गंदा हो रहा है इस कारण ये साफ नहीं दिख पा रही, बाकी देखो प्यारी सी लग रही है। देखो देखो रियल में जो अलग लग रही है वो भाई चार वीडियो में इतनी अच्छी लग रही होगी। इसमें मिल जाती है सिल्वर फेजेंट कुछ तरीके की, जो कि अंदर बैठी हुई है। देखो और ये देखो सिल्वर फेजेंट कुछ तरीके आपको देखने को मिलेगी यहाँ इस एरिया में भी, आपको पूरे में देखो पशु पक्षी आपको देखने मिलेंगे उस तरीके। और जो है पूरे एरिया में पक्षी पक्षी देखने मिलेंगे आपको, जो कि आसमान में उड़ने वाले वो आपको पशु पक्षी आपको यहाँ पे ए टू जेड सारे देखने मिलेंगे। लाल बाग कुकड़ जो कि हमारे इंडिया में कहा जाता है मुर्गा इसको, तो ये भी मिल जाएगा। देखो ये बैठा हुआ, अभी आवाज़ नहीं निकाल रहा, अभी आवाज़ निकाल रहा होगा, आवाज़ निकाल बेटा। हाँ ये बात ऐसे निकालते हैं आवाज़, देख ऐसे हमारा सफ़ेद मोर देखने को, सफ़ेद तो है नहीं अभी यहाँ पे कुछ तरीके का, जो कि अपने वैसे सिंपल मोर होता है वो आपको देखने को मिलेगा। देखो ये बैठा अंदर, और सफ़ेद मोर देखो ये है यहाँ पे, देखो ये रहा सफ़ेद मोर, और ये रहा भाई पर खोल के बैठा है यार ये तो, यार देखो भाई पर खोल के बैठा है, मज़ा आ गया दिखा के आप सबको को इस तरीके का। यार साफ नहीं आ रही बिल्कुल, देखो हवाई ही साफ हवाई नहीं जाते आपको, वाइट मोर को इस तरीके का देखो साथ में, ये बिल्कुल एक ही वाइट मोर है बट यहाँ पे तो बाकी वो देखो पर खोल के वो खड़ा, और ये इस किस्म में वाइट मोर ये रहा। देखने मिल जाते पंकिल मगर वाइट कलर के हैं, जो कि आपको देखने को मिलेगी। देखो एक ये बैठा और एक बोरा और दो ही है, मतलब ये दो ही है बट एक आधा पानी के अंदर होगा तो पता नहीं, कुछ तरीके आपको देखने को मिलेंगे यहाँ पे। और बाकी सामने से दिखाया जाए आपको कुछ तरीके होंगे, सामने से दिखाया जाए तो इस प्रकार में देखो आप ये देखते हो। और यहाँ पे आपको इधर की साइड आपको हाथी मिल जाता है, और इधर की साइड आपको शेर मिलता रहता है, तो पहले हाथी दिखा देते फिर आपको शेर दिखा देंगे बाद में। चलो तो फाइनली गाइस आपको शेर भी मिल गया और हाथी मिल गया दिखाने के लिए, अब आपको पहले हाथी दिखा देते फिर आपको शेर दिखा देंगे, देखते हैं कि शेर कैसा दिखता है। बट देखा फोटो में, बट आज रियल में देखेंगे, रियल में आपको दूर से देख पाएंगे, पास से देख नहीं पाएंगे, बट जैसे भी देख पाएंगे तो आपको बता देंगे आज और दिखा देंगे कि आपको हाथी भी, और हाथी तो देखते रहते हैं यार, हाथी तो हमारे आता रहता है आसपास में, शेर नहीं आता, शेर जिस दिन आ गया उस दिन अहंकार मर जाएगा बहुत तगड़ा, तो आपको हाथी दिखाते हैं पहले। ये एरो भी लगा रखा है, जंगली सुअर, जंगली हाथी, मगरमच्छ, पक्षी, सिंगा, भैंस की टाट, ये सब देखने को मिलेंगे आपको। ये तो इधर देखने को मिलेगा, और सिंगा पिंगा इधर देखने को मिलेगा, पहले
जंगली सुअर और अंग्रेजी हाथी देखने को मिलता है। हाथी के लिए इधर जाना पड़ेगा, जाते हैं आपको जंगली सुअर, ये देखो सामने जंगली सुअर, जंगली सुअर का तालाब भी रखा छोटा सा, इसमें आपको नहाने पाने पीने भी नहीं के लिए कुछ इस तरीके का। तो जंगली सुअर का देखो पिंजरा ही बना रखा है उस तरीके का, ये देखो आपको हाथी सामने देखो इतने बड़े, बट हाथी आने के लिए रास्ता बंद कर रखा है इस प्रकार ही, और ये है सामने आपका हाथी। फाइनली शेर भी दिख गया, वो सामने शेर अपना, वो देखो भाई ये देखो ये चल रहा शेर, ये देखो मर ज़्यादा हो भाई शेर की लग रहा है, और आप देखोगे नहीं वाला ओ भाई ओए होए आवाज भी कर रहा भाई को बाकी एक ही शेर है यहाँ तो पूरे एरिया में भाई, एक ही शेर दिख रहा है पूरे में, तो एक ही शेर दिख रहा है हाल फिलहाल में भी। तो देखने मिल जाते आपको हाथी इस प्रकार में, जो कि इंडिया के हाथी है इस तरीके के, ये देखो कितने प्यारे प्यारे हाथी है, ये देखने को मिलेंगे आपको यहाँ पे। देखो इसके लिए खाना भी आ गया, ये देखो खाना लेके आया भैया इनके लिए, और ये देखो ये हाथी रहे, क्या बात है यार, ये देखो ये देखो जी खाना भी खाने लग गया अभी, ये देखो कैसे खा रहा खाना, ये भाई ये मुंह में गया, ये खा गया भैया इस तरीके खाना खाना मिलता है इनको खाने के लिए, कितना बड़ा है भाई देखो ये वो बेटे, ओए 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 ओए, ये देखो ऐसे करते हैं भैया दांत देखो भाई इसके इतने बड़े बड़े। मिल जाता है आपको बंदर का इलाका, कुछ तरीके आपको बंदर मिल जाएंगे यहाँ पे, जो कि अपने इंडिया के बंदर है कुछ तरीके के, देखो ब्लैक बंदर भी है यार इसमें, तो कुछ तरीके आपको बंदर देखने को मिलेंगे यहाँ पे, देखो ये बगा पहला बंदर देखने को मिलेगा आपको, के अंदर बैठा शेर देखो, ये बैठा हुआ शेर, ये देखो शोर आ रही था फिलहाल, और एक सामने शेर वहाँ बंद कर रखे हैं पिंजरे में, वहाँ पर भी सामने इस वाले पिंजरे में, इस वाले पिंजरे में बंद कर रखे, देखो इस वाले में साल साल में जानवर बंद भी कर रखे हैं इन लोगों ने, देखो एक बैठा हुआ है वो बट सो रहा है बंदर, तो उस प्रकार में आला आपको ये चीज़ देखने को मिलेगी। देख सकते हो कितने प्यारे लग रहे हैं, उड़ते उड़ते हुए भी दिखाता, उड़ भी उड़े थे अभी बट एक जगह बैठ गए, वो भी देखो सामने देखो ये आया उड़ के, ये देखो भाई कितने बढ़िया लगते हैं यार, ये देखो इनकी रखने की व्यवस्था कितनी अच्छी करी गई है, देखो कितने आराम से यहाँ पे रहते हैं सुकून से, और कितना मज़ा आता हुआ है इनको रहने में यहाँ पे। गाइज वाइट टाइगर ही मिलने का नाम ले रहा, कोई कह रहा है कि यहाँ से यहाँ जाओ, कोई कह रहा है यहाँ से लाइट हो जाओ, कोई कह रहा है यहाँ से लाई जाके रेफ्ट हो जाओ, बट वाइट टाइगर नहीं मिल पा रहा, वाइट टाइगर आपको दिखाना है मुझे और मुझे खुद भी देखना है, तो वाइट टाइगर हम ढूंढ रहे हैं, वाइट टाइगर मिल जाए आपको तो वाइट टाइगर भी आपको दिखाए। ओह माय गॉड, ये देखो खून, देखो ना खून, ये खून है, देखो ये पड़ा हुआ खून, यानी ये चीज़ का होगा कौन, चलिए मिल गया वाइट टाइगर भी, और ये तो वाइट टाइगर का लोगो लगा, वाइट टाइगर ये छपा हो, वो वाइट टाइगर ये सामने है, सामने बैठे दो दो वाइट टाइगर, ये देखो एक ये टाइगर और ये वाइट टाइगर, दोनों तो वाइट टाइगर बैठे हुए, वो बैठे और वाइट टाइगर की रहने की जगह पूरे एरिया में वाइट टाइगर रहते हैं, कुछ प्रकार में वाइट टाइगर ही वाइट टाइगर है, बट फाइनली दो ही वाइट टाइगर है जो कि यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे, कुछ सर ये देखो दो ही वाइट टाइगर है बस, तो गलती अपनी नहीं बताएगा, जंगल में जंगल में तो गया कहानी खत्म कर देता दो मिनट, चिकन मटन वो लड़के खिलाते हैं उनका अपने हाथों से, जाल बीच में होगा, बीच में बीच में जाल है, अंदर ये पैक होंगे बीच में जाल होगा, ये खाली है बोलो।
साल के बच्चे आपको इतने बड़े दिखला दे। ये शेर ये बैठा हुआ अंदर, ये देखो ये दिख रहा होगा आपको, ये बैठा हुआ शेर, ये देखो ये बैठा हुआ शेर। बट ज़्यादातर जानवर सो रहे हैं और मॉर्निंग का टाइम है ना, चक्कर में जानवर सो रहे हैं। देखो इसमें भी शेर बैठा हुआ है, इसमें भी सो रहा है बैठ के। फाइनली यहाँ से आपको, वहाँ से आपको घुमा के ले आया था और यहाँ से आपको लेके गया था और यहाँ से आपको वापसी आ गया और यहाँ पे आप लिख गया थैंक्स यू फॉर विजिट अगैन, कुछ तरीके का था यहाँ पे ख़त्म। और कुछ इस तरह की जानकारी थी चिड़ियाघर की, जो जो एनिमल थे वो मैंने दिखा दिए, बर्ड्स एनिमल और जो जो चीज़ें थी वो मैंने दिखा दी, मेन मेन चीज़ आपको दिखाई, बट सारी चीज़ें नहीं दिखाई मैंने, सारी चीज़ें जो जो थी मेन मेन मेरे को लगी वो मैंने दिखाई आपको। और यहाँ पे करते थे ब्लॉग को समाप्त, उम्मीद करता हूँ कि आपको ब्लॉग अच्छा लगा, अच्छा लगा तो वेटिंग फॉर न्यू ब्लॉग, मिलते जल्दी नए ब्लॉग, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।